आप पैसा विड्रॉ किए हो क्या? हाँ या नहीं? पैसा विड्रॉ किए हो? नहीं ये जो बता रहे अकाउंट में। 2,65,000 2 बार कटा है मेरा, हाँ एक बार का मेरे को रिफंड चाहिए, क्योंकि वही पैसा ये लोग दिखाया है, दिखाई ये लिखे हैं CIDC को भेज दिए। अरे हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाँ आपने पैसा 2010 से लेकर 2017 के बीच में पैसा विड्रॉ किया है क्या? नहीं, ये तो बोल रहे हैं, मतलब डेट इज आवर रिकॉर्ड, कौन मतलब सी तारीख थी? ये तारीख भी लिखा है, बता दो इनको, देख लेंगे। देखिए मैं लाख 69,000 टोटल। हाँ 78 से कर रहा हूँ नौकरी, और ये पैसा 16 तक का है एक ना, और अभी आप जमा कर रहे हो 2,000, मरीज, राइट, ही इज राइट, मैं ही इज राइट, मतलब 78 से दैट इज व्हाट आई हैव रिसीव्ड माय लॉर्ड। यस ही इज राइट, ही इज राइट, 78 से नौकरी कर रहा यस हूँ, यस यस मेरा यस 1,00,000 रुपये तो निकलते ही होगा, यस और ही फिर राइट, 2,000 2,005 से लेके, मैं समझ गए दो यू आर हजार राइट, पांच से लेके 16 16 समझ गए आपकी बात। 8 10 16 सविलियन तक का 2,59,000 किस बीच में दिए हो क्या मेरे, बता दो, प्रमाणित नहीं, कर दो दो आप। लाख उनसठ हजार इनका क्लेम है और हम लोग इनको दिए हैं 53,000 मिस्टर काउंसिल, फोर मिस्टर हंड्रेड मजुमदार, ही हैज बर्थ इन द आज आठ ईपीएफ। मिनट एक मिनट, का समझ गए, अब आपकी बात शांति से रहो। 2,59,000 तो ये अभी के पीरियड की बात हो रहा है, और वो पहले तो इनके खाते में पैसा है ईपीएफ में, ये पैसा कहां से विड्रॉ किए हैं? देखिए, बट आई वॉज इज एम्प्लॉयर टिल यू आर एमपी 2016, सर, आप क्या थे विच हम डिपार्टमेंट? CIDC के हाँ से उसका उसका जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो फिर म्यूनिसिपल हाँ, तो कॉर्पोरेशन। सीआईडीसी में जो पैसा था तो ईपीएफ ट्रस्ट में ज्यादा था, तो हाँ वो वहां है था। ना, तो ईपीएफ से पैसा विड्रॉ हुआ है, हाँ तो ये तो इनकी नौकरी 78 से है, तो भाई 78 से तो एक्युमुलेटेड फंड रहेगा ही रहेगा। 78 का मैंने नो पूछा, नो नो मिस्टर मजुमदार, मैंने ओपनिंग बैलेंस पूरा नो अकाउंट नो किया था नो, लॉर्ड। दी दी अमाउंट विच ही वाज हैविंग इन द ईपीएफ, अभी आपकी जो कार्रवाई है पूरी नहीं हुई है, ईपीएफ में तो ये 78 के मेंबर जी जी है ना, जी तो 78 से इनका ईपीएफ एक्युमुलेटेड हुआ है, उसमें से ये पैसा विड्रॉ किया इनका अधिकार है, हाँ पर ये 2,59,000 के पेटे विड्रॉ किया है ये आप कैसे के लो? क्योंकि ये तो अपने, ये तो आपसे पैसा विड्रॉ नहीं किए हैं, ये तो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन से पैसा विड्रॉ किए होंगे। मिस्टर हाँ नो मान लो ईपीएफ नॉट नॉट फ्रॉम ईपीएफ मान लो नॉट वाई, फ्रॉम इट बिकॉज द स्टेटमेंट विच दे आर शोइंग। नो, ये तो गलत है, गलत, अब ये बना के अभी भेजे हैं नो मैंने, नो नो, दे के ना, दे आर नॉट ईपीएफ करेक्ट, के बाद तो जो भी टोटल बैलेंस था वो इनको दे दे चुके हैं, एंड दे डोंट हैव एनी ग्रीवेंस टू मिस्टर दैट। काउंसिल, नो, दी बात दे आर दी मिस्टर मजुमदार एंड मिस्टर द्विवेदी सेइंग इज इनकरेक्ट फैक्ट, बिकॉज दी अमाउंट विच वाज रिकवर विड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस इनके ईपीएफ से, अगर आप ये बता सकते हो कि ईपीएफ के खाते में इस समय इतना पैसा नहीं था, तो आपकी बात लाजमी है, अदरवाइज आपकी बात में दम नहीं है। शांत, एकदम सी आप पिन पॉइंट बताइए, 2,59,000 रुपये तो अपने खाते से विड्रॉ करेगा ना ये ईपीएफ से? हाँ, 1,69,000 जो भी हो, जो भी सत्रह हटाओ, जी, ये ही विल, और वो आप थोड़ी दोगे पैसा, ही विल विड्रॉ फ्रॉम द ईपीएफ अकाउंट, तो यस इट इज फॉर द ईपीएफ टू से, एंड ईपीएफ भाई, ईपीएफ तो मेरे खाते में 25 लाख रुपया है, मैं 5 लाख आज भी विड्रॉ करूं या 10 दिन, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आप हमको तो तो नो, आपने तो पैसा जमा किया तो पैसा वापस करोगे, उन्हीं का पैसा है, मतलब तो आप ईपीएफ की ये बात को, आपको गलत फैक्ट बता रहे हैं, यू यू वेरीफाई द फैक्ट, नो नो पांच से जो किया डिपॉजिट उसका मैंने रिपोर्ट किया है नो क्या? मिस्टर, आप ये बताओ, ये बात तो हमको कुछ लाजमी जमी नहीं, क्योंकि पैसा विड्रॉल वो अपने खाते से कुछ भी कर सकता जी, इनका टोटल विड्रॉल में लड़ आ रहा है 3,33,502 रुपए, है इफ आई ना? एम नॉट रॉन्ग, 3,33,502। अच्छा, इनके खाते में कितना ईपीएफ, ईपीएफ जरा बताइए तो, इनके खाते में कितना पैसा था 2016 में, पैसा कब विड्रॉ किया आपने? हम दो चार्ट में दिया हुआ है मतलब, बताइए, 22/10/2010 को 39,000, हाँ 26/4/2012 को 10,600, हाँ 21/9/2012 को 12,800, हाँ 19/6/2013 को 7,200, 6/6/2014 को आठ अच्छा, हजार नौ दिस आर द अब डिटेल्स ये बताओ, आप ईपीएफ के खाते में अगर 78 से आदमी नौकरी कर रहा है, 78 से कितने साल हो गया? 32 साल,
जी 32 साल में क्या थे, कंडक्टर थे आप। कंडक्टर की तनख्वाह मुश्किल, चलिए बढ़ते बढ़ते वो 50 कमीशन के बाद 96 के बाद 7-8 हजार रुपये 10 हजार हो गई होगी, जी ठीक है। अब उसके एक खाते में कितना पैसा था, वो ईपीएफ डिटेल्स दिया हूं, मतलब है ना। दूसरा दूसरा वाला जो है, हाँ दूसरा पेपर, ये उसमें कहाँ से पूरा दे रहे डिटेल है। हो, ये 10 से दे रहे हो आप तो। हाँ 10 से हम हमको तो 10 से मतलब नहीं है। नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस है ना, मलोट 43,933 रुपए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपने कहाँ से लगाया। वो पिछले अकाउंट से जो होता आया है माइनस प्लस होते होने के बाद 43,933, उसके बाद जो एडिशंस होते गए एंड विड्रॉल होते गए, वो तो चीज। 22 साल में, 22 साल में इतनी पैसा ईपीएफ में जमा होगा, 32 साल में, क्या बात। विड्रॉल हुआ है मलोट, दैट इज नो व्हाट दे नो आर सेइंग। नो नो, ईपीएफ हैज टू फाइल एफिडेविट। मतलब व्हाट माय रिप्लाई इज मतलब, नो नो, वी वांट स्पेसिफिक क्वेरी टू यू, व्हाट इज दी अकाउंट, व्हाट इज दी एक्युमुलेटेड फंड अवेलेबल इन द सर अकाउंट ऑफ द, एक मिनट रुको भाई, ऑन अप्रैल 10, 2010, ऑल राइट, व्हाट इज द अकाउंट अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द पिटिशनर अमाउंट 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 ऑन अप्रैल 2010, यस एंड व्हेन ही हैज विदड्रॉ द अमाउंट। बिकॉज विदड्रॉ तो आपके यहां से होगा, ईपीएफ डिपार्टमेंट से होगा, जी उसका डिटेल बताइए एफिडेविट में, तब ये वेरीफाई हो पाएगा। बी काउंसिल फॉर सीआईडीसी एंड नगर निगम फॉर्मली वुड सबमिट दैट ही हैज विड्रॉ द अमाउंट ऑफ रुपीज, कितना विड्रॉ किया है, मतलब 1,69,441 41 169,441 फ्रॉम 2010 टू 2017, लिख देना। वेयर फ्रॉम 2010 टू 2017 द पिटिशनर इज मेंबर ऑफ ईपीएफ सिंस 1978, लेट द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल एफिडेविट, व्हाट वाज द अकाउंट बैलेंस ओपनिंग अकाउंट इन द ईपीएफ विद द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2010, एंड व्हेन ही हैज विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द देयर फ्रॉम द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन 2010 टू 2017। सॉरी, क्योंकि आप, आपके पास तो पैसा विड्रॉ होगा नहीं, तो विड्रॉ पूरा करें अकाउंट चला गया पूरा। नहीं, इवन दी ईपीएफ विल यस यही करेंगे ना, यस, सैंक्शन तो अथॉरिटी यही और है। ये इन्हीं के यहां से तो विड्रॉ होगा पैसा, ये एप्लीकेशन मूव करें, इन्हीं के एप्लीकेशन प्रोसीड होगा, जी आपका तो रोल ही नहीं है अभी, आप केवल फॉरवर्ड करते हो। जी इट इज फॉर देम पीपल टू डिसाइड एंड अलाउ देम टू विड्रॉ, ऑल राइट, लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स। डिटेल विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट, मतलब नीडी नंबर एंड दैट अबाउट टू वेरी मच विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट, हाँ कंट्रीब्यूशन जो पेमेंट हमने किया था उसकी हाँ डिटेल्स मैंने अभी सप्लाई कर दी। ऑल इट, अभी तो ये चीज इश्यू आ जाए तो क्लियर होगा, कहीं हो पाया मतलब नहीं ठीक इतने है, बट दी एटलीस्ट वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्ट्रोवर्सी। दिन। यस यस कॉपी पूरा पे भी दे दो, ये पूरा ये रिकॉर्ड तो हम अभी ले नहीं रहे, पूरा इनको दे दीजिए, यस एंड वी वांट दैट दी एटलीस्ट दी जब सब्सटेंशियल जस्टिस बिटवीन द पार्टी शुड बी डन, इफ इज अ सफरर ही शुड बी कंपनसेटेड, अगर नहीं है तो नहीं है, जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वीक कमेंसिंग 25 नवंबर है, यस 25 नवंबर, ओब्लाइज। यस कोई डेट दे दो, 27 नवंबर की डेट। चलो 26 असीम भगत गोपाल जी, कुलदीप सिंह।